सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं सीरीज रिव्यू करूंगा डेयर डेविल का। डेयर डेविल नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है और इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, यानी कि नेटफ्लिक्स ने इसे अपने स्ट्रीमिंग सर्विस पर स्ट्रीम करना शुरू किया था। डेयर डेविल के प्रोड्यूसर्स हैं मार्वल्स एंटरटेनमेंट, यानी कि जो मार्वल की फिल्में बनाते हैं मार्वल स्टूडियोज, उसने प्रोड्यूस किया है इस सीरीज को। डेयर डेविल एक सुपर हीरो सीरीज है और इसमें मुख्य भूमिका में है, यानी कि मेन लीड कास्ट जो डेयर डेविल का प्ले कर रहे हैं वो हैं चार्ली कॉक्स, जिन्होंने इसके पहले कैसानोवा जैसी फिल्म की थी हीथ लेजर के साथ, और अमेजोन प्राइम वीडियो पर उनकी एक सीरीज आती है डाउनटाउन एबे, तो वो जरूर देखें अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं तो। डेयर डेविल एक बेहतरीन सीरीज है। इसके तीन सीजन्स हैं, मैंने इसके तीनों सीजन्स देखे। हर सीजन में 13 एपिसोड्स हैं, यानी कि 39 एपिसोड्स आपको देखने पड़ेंगे। बात करते हैं डेयर डेविल की स्टोरी की, यानी कि कहानी की। डेयर डेविल की कहानी है मैट मर्डॉक, यानी कि चार्ली कॉक्स, जो कि डेयर डेविल हैं, वो तो खैर बाद में बनते हैं, लेकिन इनकी कहानी शुरू होती है बचपन में, जब ये एक रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और एक बुड्ढे को बचाने के चक्कर में ट्रक से ये खुद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस ट्रक में रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की वजह से, रेडियो एक्टिव लिक्विड्स होने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मैट मर्डॉक के पिता एक हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, की हत्या कर दी जाती है मैच फिक्सर्स के द्वारा, और उसका बदला लेने के लिए मैट मर्डॉक डेयर डेविल बनते हैं। एक्टिव मटेरियल्स की वजह से उनकी आंखें तो चली जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाते हैं, यानी कि उसकी जो सुनने की क्षमता है, जो हेयरिंग कैपेसिटी है, जो स्मेलिंग कैपेसिटी है, और जो महसूस करने की जो कैपेसिटी है वो रेडार लेवल की हो जाती है। सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो लोगों के हार्ट बीट तक सुन सकता है। डेयर डेविल की जो शक्तियाँ हैं वो दिन ब दिन उसमें वो उसे तराशता रहता है, और धीरे धीरे उसमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। वो आम इंसानों से बहुत जल्दी ज़्यादा जल्दी हील हो जाता है। पिता के मरने के बाद मैट मर्डॉक पढ़ता है, उसे एक बुड्ढे का सहारा मिलता है जिसका नाम है द स्टिक। अब ये द स्टिक की कहानी क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन मैट मर्डॉक पढ़ाई लिखाई करके और अंधे होने के बावजूद एक लॉयर बनता है और अपने दोस्त फॉगी विल्सन के साथ एक फर्म खोलता है जिसमें उसका साथ देती है कैरन पेज। जी हाँ, कैरन पेज इस सीरीज की फीमेल लीड है, तो उनका भी रोल काफ़ी डेवलप्ड है। फॉगी नेल्सन और मैट मर्डॉक के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है, और ये तीनों जिस फॉर्म में काम करते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा केस होता है विल्सन फिस्क का। विल्सन फिस्क जो कि सीजन वन के विलन है और पूरे डेयर डेविल सीरीज के भी विलन है, मेन विलन कह सकते हैं हम। और कॉमिक्स में हालांकि किंग पिन का नाम दिया गया है विल्सन फिस्क को, लेकिन डेयर डेविल के सीरीज में इनका रोल काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और काफ़ी सीरियस और काफ़ी बेहतरीन रोल है। बात करते हैं मैट मर्डॉक की परवरिश की। जी हाँ, मैट मर्डॉक की परवरिश की थी द स्टिक ने, जो कि खुद एक अंधा बुड्ढा है मगर मार्शल आर्ट्स और कुंगफू में मास्टर है। स्टिक मैट मर्डॉक को सारे तरकीबे सिखाता है, सारी मार्शल आर्ट्स के गुर सिखाता है और सारे कुंगफू सिखाता है, और अपनी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करें वो बताता है, और उसकी परवरिश और रहना खाना पीना सोना सब द स्टिक करता है। दोस्तों, डेयर डेविल एक बेहतरीन सीरीज इसलिए भी है क्योंकि हमें पूरी सीरीज में कोई भी सुपर पावर्स देखने को नहीं मिलता, यानी कि यहाँ बैठ के वो कर दिया, वहाँ बैठ के वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्टोरी है जो कि एक पैरेलल स्टोरी चलती रहती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दिखाया गया है और उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच डेयर डेविल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, खास करके मार्शल आर्ट्स जिसमें वो माहिर है। और यकीन मानिए, जब आप ये सीरीज देखेंगे, आप जब उसकी फाइटिंग सीन्स देखेंगे, मार्शल आर्ट्स देखेंगे, तो आप अपने दांतों तले उंगलियां ज़रूर दबा लेंगे। को IMDb पे मिले हैं 8.7 आउट ऑफ 10, 3,32,000, यानी कि 3 लाख, 3.5 लाख लोगों ने इसे वोट किया है। मैं आपको बता दूं कि डेयर डेविल सीजन 1, 2, 3 थर्ड सीजन अक्टूबर 2018 में रिलीज हुआ था और इसका फोर्थ सीजन नहीं आने वाला है, यानी कि ये कैंसिल हो चुका है। नेटफ्लिक्स ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया था, मार्वल के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया है, तो अब इसका फोर्थ सीजन नहीं आएगा।
तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। हालांकि थोड़ी स्लो है क्योंकि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा नहीं है, और दो आदमियों के बीच जो एक कन्वर्सेशन होता है उसे ज़्यादा दिखाया गया है, तो उसमें डायलॉगबाजी ज़्यादा है। लेकिन इस सीरीज़ का जो एक्शन है, जो एक थ्रिल एलिमेंट है, वो आपको अंत तक बनाए रखेगा। हर एपिसोड्स कुल मिलाकर 50 से 1 घंटे के हैं, 50 मिनट से 1 घंटे के हर एपिसोड्स हैं। कोई कोई एपिसोड्स 40, 42, 45 मिनट के हैं, लेकिन ओवरऑल हर एपिसोड 50 मिनट से ज़्यादा के ही हैं। ये सीरीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर देखें ये सीरीज़, जब भी आपको फुर्सत मिले आप ज़रूर देखें। और मेरी मानिए तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ये एक बेहतरीन सीरीज़ है, बल्कि मैं कहूँगा एक मास्टरपीस है सुपर हीरो सीरीज़ में। तो ये था मेरा रिव्यू डेयरडेविल के लिए। मैं अपने पर्सनल वर्डिक्ट की अगर बात करूँ तो मैं डेयरडेविल को दूंगा 10 में से 9 पॉइंट्स। 9 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल चकित रह गया ये देखकर कि एक सीरीज़ में कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, और इतनी बेहतरीन सीरीज़ बनाई है, बिल्कुल एक क्लास लेवल की सीरीज़ है ये। तो मैं तो बिल्कुल ब्लोन अवे हो गया ये सीरीज़ देखकर, और उम्मीद है आप भी होंगे अगर आप एक्शन प्रेमी हैं। तो था मेरा रिव्यू डेयरडेविल के लिए, अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं कहता हूँ यार, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ।